बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो लेक्चर है ये FSC सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, फिर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, कि वेक्टर को रिजॉल्व करना है हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को अगर डिफाइन करें, कहेंगे द इफेक्टिव पार्ट या इफेक्टिव वैल्यू, द इफेक्टिव पार्ट या वैल्यू कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी भी गिवन डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर का जो इफेक्टिव पार्ट होता है गिवन डायरेक्शन, इसका उसे हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं ऑफ दैट वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, उस वेक्टर का ये कंपोनेंट होगा इन दैट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये इसका इफेक्टिव पार्ट है, जो उस वेक्टर का कंपोनेंट होगा उस गिवन डायरेक्शन में। तो डेफिनेशन क्या है कि इफेक्टिव पार्ट, किसी भी वेक्टर का जो इफेक्टिव पार्ट है इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि हेड टू टेल रूल से आपने पढ़ा है, लेट से ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो दोनों को आपने ऐड अप किया, हमारे पास क्या आया, रिजल्टेंट आया, ठीक है, ये सम है इसका ए और बी का। अब देखिए तो आर के दो कंपोनेंट हैं, एक ए और एक बी। अब इस डायरेक्शन में जितना आर इफेक्टिव है वो कितना इफेक्टिव है, जितना वेक्टर ए, एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड जितना इफेक्टिव है, या कितना इफेक्टिव है वेक्टर ए जितना, इस तरह इस डायरेक्शन में वेक्टर आर कितना इफेक्टिव है, बी जितना। तो इस डायरेक्शन में आर का एक कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन में आर का क्या है, बी कंपोनेंट है। सिमिलरली अगर हम बात करें टू डिमेंशन में, ये आगे चल के इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो अगर यहाँ से ये वेक्टर लेट से एफ है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे देखें तो ये एफ का जो कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग होगा, एक एक्स का ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ का कंपोनेंट वाई के अलॉन्ग होगा। जो एक्स के अलॉन्ग है, एफ कितना इफेक्टिव है एक्स के अलॉन्ग, एफ एक्स जितना, तो एफ का एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या है, एफ एक्स, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना इफेक्टिव है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना इफेक्टिव है, एफ वाई जितना। तो एफ वाई किसका कंपोनेंट है, किसके अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग किसका कंपोनेंट है, एफ का कंपोनेंट है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव पार्ट ऑफ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स कंपोनेंट इन दैट डायरेक्शन। अब बात करते हैं हम व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्या होते हैं, व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, सिंपल है, इसमें अगर डिफाइन करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हम क्या कहेंगे कि द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर के वो कंपोनेंट्स होंगे विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ 90 का जाविया बना रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो दोनों को हम क्या कहते हैं, आर कार्ड, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। दोज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कार्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फर्ज करें अभी जो मैंने एग्जांपल दी आपको, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये लेट्स से बी वेक्टर है, ये रिजल्टेंट आर है, ठीक है। अब देखें ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं आपस में एक दूसरे के, तो आर के जो दो कंपोनेंट हैं, क्योंकि आर इज इक्वल टू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो
तो आर के जो दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, एक तो वो कंपोनेंट्स हैं, दूसरा क्या है, दे आर वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सिमिलरली अगर हम एक वेक्टर एफ को रिजॉल्व करें टू टू कंपोनेंट्स, वन इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सेकंड इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो दोनों कंपोनेंट जो होंगे चूँकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, दोनों क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो दोज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड, में क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हमने एक वेक्टर को रिजॉल्व करना है इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सबसे पहले व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, द प्रोसेस ऑफ, ये वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ना, स्प्लिटिंग अप अ सिंगल वेक्टर, कि वो प्रोसेस जिसमें आप सिंगल वेक्टर को तोड़ते हो, सिंगल वेक्टर इंटू टू और इंटू टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू वेक्टर्स, कि आप वेक्टर को तहलील करते हो, कैसे, क्या वेक्टर को तोड़ देते हो टू वेक्टर्स में या मोर देन टू वेक्टर्स, इस कार्ड वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इस कार्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ सिंगल वेक्टर, कि एक सिंगल वेक्टर को आप तोड़ते हो, उसे तहलील कर देते हो, उसे दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हो, तोड़ देते हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, मोस्टली अ वेक्टर इज, एक वेक्टर को जब आप रिजॉल्व करते हो, इज रिजॉल्व, ज़्यादातर जो वेक्टर है उसे रिजॉल्व किया जाता है, रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या इनटू दोज कंपोनेंट्स, ज़्यादातर हमें उन कंपोनेंट्स से उसको रिजॉल्व करते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या हो, राइट एंगल हो, राइट एंगल मतलब एक दूसरे के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो, एट राइट एंगल टू ईच अदर, ज़्यादातर हम, और ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ या ऐसे कंपोनेंट्स जो राइट एंगल हो, हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या, मोस्टली अ वेक्टर रिजॉल्व्ड इनटू, ज़्यादातर आप रिजॉल्व किस में करते हो, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ज़्यादातर रिजॉल्व करते हो। ठीक है, अब वो प्रोसेस क्या है रिजॉल्व करने का, प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब हम प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को। प्रोसेस कंसिडर कि हमारे पास क्या है, कंसिडर अ वेक्टर ए, हमारे पास एक वेक्टर ए है विच मेक्स, या वेक्टर ए है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया है बाय रिप्रेजेंटेटिव लाइन। हमें पता है किसी वेक्टर को, ओरिजिनल वेक्टर का ड्रा नहीं करते, कर सकते, इसलिए आप उसकी कंसीडर अ वेक्टर ए विच रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव लाइन, लेट से हमारे पास टू डायमेंशन में, दैट इज एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए विच रिप्रेजेंटेड बाय लाइन लेट से ओ पी, ठीक है, ओ पी लाइन से इसको हमने रिप्रेजेंट किया है, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद, और वो रिप्रेजेंटेटिव लाइन कितना एंगल बनाती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा, रिप्रेजेंटेटिव लाइन ओ पी,
ठीक है, ओपीसी हमने इसको क्या किया हुआ, रिप्रेजेंट किया हुआ है, विच मेक्स, और कैसे, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ये। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज PM ऑन एक्स एक्सिस, और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे, दैट इज वो क्या है, ON, ठीक है। क्या कहेंगे, टू रिजॉल्व ए, टू रिजॉल्व ए वेक्टर क्या करेंगे, वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स, हम दो परपेंडिकुलर्स ड्रा करते हैं, कौन से, एक है हमारे पास PM, PM परपेंडिकुलर, एंड दूसरा क्या है, PN परपेंडिकुलर। ये दो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किए, कहाँ पे, एक ऑन एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई रिस्पेक्टिवली, हमने रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दो परपेंडिकुलर क्या किए, ड्रा किए। एक्स एक्सिस पे हमने PM परपेंडिकुलर ड्रा किया, और जो वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रा किया वो क्या है, PN। अगर यहाँ से आप देखें कि जो OM है, जो प्रोजेक्शन है या अफेक्टिव पार्ट है, किसके अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, जो शेडो है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, ए एक्स। सिमिलरली ओ एन जो है ये प्रोजेक्शन है ए का वाई एक्सिस पे, इसे हम क्या कह देते हैं, लेट्स से ए वाई, अगर ये वाई है तो ये भी क्या होगा, ए वाई होगा। अब चूंकि ये मैग्नीट्यूड जो एक्स है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए इसको आप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर लिए आई कैप, और यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जे कैप। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये दो, इस वेक्टर के ये दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स मैग्नीट्यूड है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, या ए का प्रोजेक्शन है, शेडो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ए वाई क्या है, शेडो है ए का वाई का, भैया मैग्नीट्यूड्स हैं। आई कैप जे कैप क्या शो कर रहे हैं, ये डायरेक्शंस को शो कर रहे हैं। अब देखिए, आया ये ए एक्स और ए वाई, हमने कहा ये प्रोजेक्शन है, आया जिनकी इसके कंपोनेंट्स हैं या नहीं है, उसके लिए देखें, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए हम क्या कहेंगे, ओ एम इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, एंड ओ एन जो है इस प्रोजेक्शन है ऑफ किसका, ए का ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अब बाई हैड टू टे रूल देखें, बाई हैड टू टेल, अगर हम हैड टू टेरू यूज़ करें, हैड टू टेरू आपने पढ़ा हुआ कि फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से कोइंसाइड करेगा, वो वेक्टर जो पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाएगा वो क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ से देखें, जो ओ एम वैक्टर है, ठीक है, अगर हम ऐड करें उसमें एम पी वैक्टर, तो हमारे पास क्या आता है, ये ओ पी वैक्टर आ जाता है, कि ओ पी रिजल्टेंट है ओ एम वैक्टर का एम पी वैक्टर का। तो ओ एम वैक्टर क्या है, यहाँ पे देखें वो है ए एक्स आई कैप, और एम पी क्या है, ए वाई जे कैप, और ओ पी क्या है, ए वैक्टर। तो इसका मतलब क्या है, देखें कि ए वैक्टर के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप, दो कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करके क्या आता है, ए वैक्टर आता है, तो ये रिजल्टेंट है ए एक्स आई कैप का और ए वाई जे कैप का। ये ए के कौन से कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब देखें दूसरी बात, अब चूंकि ये इसके लॉन्ग वाई के लॉन्ग है,
ठीक है, तो इसलिए हमने क्या कह दिया, ए के कॉम्पोनेंट्स हैं, एक्स के लॉन्ग ए एक्स से हमने इसको डिनोट किया, क्योंकि वाई के लॉन्ग है इसको हमने ए वाई से डिनोट कर दिया। तो इसका मतलब दोनों कॉम्पोनेंट्स हैं, एज ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप आर परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों आपस में क्या हैं, देखिए ज़रा, परपेंडिकुलर हैं, सो दीज आर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। इसलिए ये क्या उनसे कॉम्पोनेंट्स हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ये रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हैं, किसके, ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, आपस में कितने का एंगल बना रही है, 90 का, इसलिए दोनों क्या हैं, रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हैं। ठीक है, इस तरह हमने रिजॉल्व कर दिया वेक्टर ए को इनटू इट्स टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है किसकी, एक्स कॉम्पोनेंट की और वाई कॉम्पोनेंट की, ठीक है, तो उसके लिए देखें, इन ट्राइंगल पी ओ एम, हम इस ट्राइंगल में चले जाते हैं, ठीक है, तो इसमें देखें, इस ट्राइंगल में जो कॉस थीटा है, आपको पता है कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा वो होता है बेस ओवर, यहाँ पे देखें इस थीटा के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये ऑपोजिट है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब देखें कॉस थीटा होता है, कौन सी ट्राइंगल में चलेंगे, ये ट्राइंगल। अब चूँकि हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ साइड्स की बात करेंगे, साइड्स की बात करेंगे, हम सिर्फ लेंथ की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे। यहाँ पे देखें ए एक्स आई कॉस थीटा क्या है, बेस यानी ओ एम ओवर हाइपोटेन्यूस क्या है, ओ पी, ये ओ एम क्या है, ए एक्स मैग्नीट्यूड ले रहे हैं और ओ पी क्या है, ए वाई। यहाँ से देखिए हमें ए एक्स चाहिए, ए एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सॉरी ओ पी, ओ पी क्या है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है, हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड, अब ओ पी है, हम सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि लेंथ साइड्स की लेंथ की बात करें, इसलिए हम सिर्फ किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड की, तो हमने ओ पी को वेक्टर नहीं लेना, ओ पी की मैग्नीट्यूड, ओ पी की मैग्नीट्यूड क्या है, ओ पी लेंथ ऑफ लाइन, और ओ पी की मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो ए एक्स ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा, तो ए एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। इसी तरह देखें साइन थीटा का लेना चाहें, साइन थीटा होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट क्या है, ऑपोजिट है आपके पास ओ एन ओवर ओ पी हाइपोटेन्यूस है, अब ओ एन क्या है, ए वाई, और ओ पी क्या है, वो है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो हमें ए वाई चाहिए, ए वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वेक्टर की, ए वाई कॉम्पोनेंट की क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आएगी, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये था, हमने वेक्टर को रिजॉल्व किया इट्स इनटू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, हमें वेक्टर दिया हुआ था, फर्ज करें हमें अगर वेक्टर ना दिया हुआ हो, उसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स दिए हुए हों, उससे हमने वेक्टर फाइंड आउट करना है, वेक्टर फाइंड आउट करना, उसमें दो चीज़ें, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर की डायरेक्शन। तो इसका अगला पार्ट जो है वो क्या है, ये हमने रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में क्या किया, उसको रिजॉल्व कर दिया और रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स की वैल्यू भी हमने क्या की, फाइंड आउट कर ली। ठीक है, वेक्टर दिया हुआ था, इसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हमने क्या किए, फाइंड आउट किए, या हम कह लें कि वेक्टर को रिजॉल्व किया इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड अ वेक्टर, टू फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स, अगर आप वेक्टर दिया हुआ हो, सॉरी रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स दिए हुए हों, उससे आपने वो वेक्टर फाइंड करना है जिसके वो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स हैं। बहुत ही सिंपल है, देखें हम इसी फिक को यूज़ करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हमारे पास, ओ सॉरी पी ओ एम, ये ले पी ओ एम ट्राइंगल,
ठीक है, इस ट्राइंगल में देखें, अब मैं ये बेस है, मैं पहले बताइए ऑपोजिट है और ये क्या है हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। इसमें देखिए हम पैथागोरियन थ्योरम है वो यूज़ करेंगे, आपको याद होगा ठीक है कि बाई पैथागोरियन थ्योरम, ठीक है, बाई पैथागोरियन थ्योरम यू एम यूजिंग पैथागोरियन थ्योरम, मसला फिर यूज़ करें, वो क्या है, हेपेटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, पता है आपको, हेपेटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर, ये ठीक है। अब देखें हमारे पास हेपेटेनियस क्या है, वो है ओ पी, इसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, बेस क्या है आपके पास ओ एन, लेंथ स्क्वायर या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वैल्यू का स्क्वायर, और हमारे पास इस टाइम में देखें ये हेपेटेनियस है, ये बेस है और ये ऑपोजिट है, ऑपोजिट क्या आपके पास एम पी, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। हमें क्या चाहिए ओ पी, ओ पी मतलब ए वेक्टर की क्या है मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम क्या है आपके पास ए एक्स, इसका स्क्वायर, और एम पी क्या है ए वाई। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें, लेंथ की बात करें, ए मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर जमा वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा अंडर एक्स कॉम्पोनेंट, ये आ जाएगी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अगर थ्री डिमेंशन में होंगे, थ्री रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स होंगे, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, सिंपल एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर जमा वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर जमा क्या होगा जी कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। कब होगा ये, वैन हम थ्री डिमेंशन की रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, तब की बात कर रहे हैं ठीक है, जब तीन रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स दिए हुए होंगे। ये हो गई उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन आपको पता है, टू डिमेंशन में जो डायरेक्शन है इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल थीटा, तो हमें थीटा फाइंड करना है। इसी ट्राइंगल में देखें टेन थीटा जो होता है वो होता है ऑपोजिट ओवर बेस, ऑपोजिट क्या है एम पी, ओवर बेस क्या है ओ एन, तो डिवाइड करें एम पी हमारे पास क्या है ए वाई और ओ एम क्या है ए एक्स, ये क्या आ जाएगा टेंजेंट थीटा। हमें क्या चाहिए थीटा चाहिए, ठीक है, टेम्प्लाइज थीटा क्या होगा फिर टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, टेन इधर नॉर्मल फंक्शन इधर इनवर्स फंक्शन बन जाएगा ए वाई ओवर ए एक्स, ये आ जाएगा आपके पास डायरेक्शन। तो थीटा जब फाइंड करना है तो वाई कॉम्पोनेंट को एक्स कॉम्पोनेंट को हम क्या कर देंगे डिवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।